अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं लहसुनी चटपटे आलू। तो उसके लिए मैंने बेबी पोटैटोज़ ले लिए हैं, उसको बॉईल करके पील कर लिया है। शुगर लिया है मैंने 2 टीस्पून, राई ज़ीरा 1/2 टीस्पून, 2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट, गार्लिक लिया है क्रश करके 2 टेबलस्पून गार्लिक लिया है मैंने, और ये कोकम मैंने भिगा के रख दिया है, इसको हम ग्राइंड करके पेस्ट बनाएंगे। 2 ग्रीन चिली ली है, करी लीव्स लिए हैं और कोरिएंडर लिया है। अब एक पैन में हमने 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है, गरम होने के बाद उसमें डालेंगे हींग 1/2 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, और अब इसमें डाल देंगे राई ज़ीरा। जैसे ही क्रैकल करने लग जाए राई ज़ीरा, उसमें हमने डाल दिए करी लीव्स और हरी मिर्च, और फिर इसमें डाल देंगे गार्लिक क्रश किया हुआ। गार्लिक हमने ज़्यादा इसलिए डाला है क्योंकि इसमें हमें गार्लिक का फ्लेवर ज़्यादा चाहिए, और गार्लिक को तब तक सॉटे करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है हमको, सिर्फ गोल्डन कलर आ जाए उतनी देर तक इसको कुक करना है। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो अब हम इसमें कोकम का पेस्ट डालेंगे। आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम खट्टा कर सकते हैं, मैं डाल रही हूँ 2.5 टेबलस्पून कोकम का पेस्ट, उतना काफ़ी होता है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पानी डाल देंगे 2 टेबलस्पून, ताकि अच्छी तरह से गार्लिक के साथ मिक्स होके कुक हो जाए और इसमें फ्लेवर आ जाए गार्लिक का। अब इसमें रेड चिल्ली पाउडर और सॉल्ट डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। शुगर डाल देंगे 2 टीस्पून, शुगर हमने इसलिए डाली है खट्टे के साथ थोड़ा सा स्वीट फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और अब इसमें बॉइल्ड पोटैटोज़ डाल दिए हमने, और अब इसको मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और कलर देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत आया है कोकम की वजह से, देखने में ये कितने चटपटे लग रहे हैं। अब इसमें हल्का सा पानी स्प्रिंकल करके इसको दम करने रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। दस मिनट बाद लिड को हटा के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी फ्लेम हाई करके थोड़ा सा इसको और ड्राई करेंगे, ताकि मसाला और आलू एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से चिपक जाए। 2 से 3 मिनट कुक करने पर पानी जितना थोड़ा भी है वो पूरा ड्राई हो जाएगा। तो देखिए ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। अब इसमें मैंने धनिया पत्ता स्प्रिंकल कर दिया है, इससे इसका फ्लेवर भी बहुत ही खूबसूरत आएगा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको कर देंगे सर्व। बहुत ही जल्दी और फटाफट बन जाने वाली रेसिपी है और खाने में बहुत ही यमी लगती है। आप इसको दावत पे एज अ स्टार्टर सर्व कर सकते हैं, और ख़ासकर रमज़ान में इसको बहुत ही बनाया जाता है। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अब इस पे थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे ताकि ये बहुत ही खूबसूरत दिखे। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अल्लाह हाफिज़।